हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक फिर से नया रेसिपी बनाने जा रही हूँ। ये है मानी मुनी पत्ता। उस दिन मैंने कच्चा से खा के दिखाया था। बहुत लोग नहीं सकते कच्चा से ये, क्योंकि थोड़ा थोड़ा टीटा टीटा होता है। इसलिए इसको आज मैं फ्राई करके बनाऊंगी आलू का साथ। आलू आलू मैंने तो छोटे छोटे काट लिए, दो ठो लेके आलू का साथ फ्राई करूंगी। और आप लोग देखते रहिए, जो जो मेरा चैनल में नया है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। देखते रहिए, अभी मैं ये फ्राई करूँगी। चलिए, इसको हम लोग अच्छे से धुला लिए 2-3 बार। अभी इसको छोटा छोटा से काट लेंगे। पूरा काट लीजिए इस तरह से। ऐसे काट लीजिए अच्छे से। ये देखिए मेरा आलू इधर मनी मुनी काट लिया है। और इसमें है प्याज और मिर्चा। डोठो हम लोग ज़्यादा मिर्चा नहीं खाते हैं इसलिए। और ये मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इधर गैस में कढ़ाई में तेल ऑलरेडी डाल दिया है। तेल भी गर्म ही हो गया। चलिए अभी फ्राई करते हैं। तेल में सब कुछ दे दीजिए। तेल में ये मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट, ज़्यादा नहीं दे, थोड़ा सा। नमक अपना हिसाब से दे लीजिए। ये है मेरा हल्दी। उसके बाद आलू। आलू को पहले थोड़ा देर फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ा देर बाद एक बार चेक कर लीजिए। आलू को थोड़ा कुक कर लेने के बाद ये मानी मुनी पत्ता है, उसको अभी दे दीजिए। बिना पानी पानी नहीं देना है इसमें, सिर्फ तेल में ही पकाइए। तेल भी ज़्यादा देने से तो हमको अच्छा नहीं लगता। थोड़ा तेज रख दो। बीच बीच में एक एक बार चेक करते रहिए अपने हिसाब से। मेरा तो ऑलरेडी पकी है क्या। और ये मेरे पास छोटा टमाटर था, पहले याद नहीं आया है इसमें। इसको देने से और अलग टेस्ट आएगा। नहीं दे के भी बनाता है, लेकिन मेरे पास था, मैं इसलिए दाल अभी सब्जी में लूंगी इसको। ये अलग टेस्ट होता है टमाटर देने से भी, और ज़्यादा ही टेस्ट होता है। ये लोकल वाला है, मेरे पास है, तो मैं इसको भी अभी इधर सब्जी में दे देती हूँ। दिखाओ सामने से। सब्जी तो ऑलरेडी पकने वाला है, ये थोड़ा पकने का, इसको थोड़ा देर पकने के लिए अभी छोड़ देगा। ये देखिए, ये मेरा टमाटर भी पूरा पक के गल गया। और थोड़ा देर रख देते हैं, उसके बाद हो ही गया। छोड़ो, और गैस को हमेशा लो फ्लेम में ही पकाइए। हाँ, यह हम लोग का सब्जी पक्के हो गया। अभी देखिए गैस ऑफ कर देते हैं। रेडी। ये देखिए मेरा सब्जी रेडी हो गया पक्के। और आप लोग भी बना के खाइए, ये बहुत टेस्टी है। मजा आ गया। छोटा टमाटर डालने से कुछ अलग ही टेस्ट आता है। और प्लीज़ आप लोग भी बना के देखिए कैसा लगा, बोलिए। और प्लीज़ प्लीज़, नया नई हूँ मैं इसलिए ज़्यादा मत हंस दीजिए।